मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। मैंने उसकी मां की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जिस दिन मैंने अपना पहला भाषण दिया। मैं उस मां से कई बार मिला हूं, मुसलसल मिलता रहता हूं। मैंने उस मां के दर्द को अपने इस कांधे पर महसूस किया है। मैंने उनके आंसुओं को अपने कांधे पर जज्ब किया है। नजीब की मां, उसके रोते हुए आंसू और मेरी एक नज्म। उस नज्म का सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मुझे इसके लिए बिल्कुल संजीदा माहौल चाहिए। जो इधर एक बेटा कुर्सी ले जा रहे हैं वो किनारे हो जाएं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ऐसा लगे मुझे कि नहीं मैं बिल्कुल संजीदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे माहौल दीजिएगा इस नज्म के लिए। के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वो बरसों से है लापता ले के आए, कोई जाके उसका पता ले के आए, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिरी दो मिनट आपसे आखिरी गुफ्तगू, और उसके बाद दो बड़े शायरों को आपको सुनना है, राना तबस्सुम को। अशफाक करीम साहब, इसराइल साहब, मुजाहिद भाई, अंजार साहब, इजार अशफी साहब, सारे लोग मौजूद हैं।